तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। अरे रसिया मन बसिया मैं कितनी दूर से आई हूँ। ये मुझे चिढ़ा रही है और मेरा बहुत मन कर रहा है जाने का, लेकिन इस बार हम नहीं जा पाए हैं। और मैं आपसे बोल रही थी ना कि हम कहीं जाने वाले हैं, तो हम मथुरा वृंदावन ही जाने वाले थे, हर महीने जाते हैं, लेकिन इस बार ठाकुर जी ने मुझे नहीं बुलाया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस बार उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन शायद उनकी हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, इसीलिए नहीं बुलाया होगा। और मैं वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी, हम गए थे कार्तिक मास में गए थे, तब हमने वीडियो शूट किया था, थोड़ा सा है, लेकिन अब मुझे पता नहीं था, आप लोगों के साथ मैं उसको शेयर करूंगी, तो आगे मैं शेयर करूंगी। उस समय यमुना जी में इतना जल था कि जहां हम परिक्रमा मार्ग से जाते हैं ना, जो सीढ़ियां होती हैं वो पूरी सीढ़ियां ढक चुकी थीं। लेकिन इससे जो पहला महीना अभी निकल के गया है, ये तो ये चल रहा है आपका, अप्रैल, ये अप्रैल चल रहा है, तो हम गए थे मार्च में, तो मार्च में बिल्कुल भी जल नहीं था, मतलब बहुत कम जल रह गया है। और उस टाइम इतना जल था, इतने आनंद आए थे, और पूरी परिक्रमा में हम भीगते हुए गए थे, और वहाँ मतलब जो बारिश हुई थी ना, उसके बाद ठंड भी लगने लगी थी, क्योंकि उस टाइम गर्मी थी। और हम जब दोपहर में हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी, हमें लगा था कि बारिश होगी, लेकिन उस टाइम बहुत धूप थी, लेकिन जब घटाएँ एकदम घिरी ना और बारिश होने लगी, तो बहुत आनंद आया था। और अब देखिए का वीडियो में थोड़ा सा वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, और प्रेम मंदिर का भी है थोड़ा सा, और अब हम जाते रहते हैं, तो आगे आपको जरूर दर्शन कराया करेंगे जिस भी मंदिर में जाया करेंगे, क्योंकि हर बार एक नए मंदिर में जाने की कोशिश करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते हैं और एक बच्चा जाता है, तो बहुत आनंद आता है हमें वहाँ। और अभी मैं काम कर रही हूँ अपना सिलाई का, और शिव और शिव के पापा और मम्मी तीनों गए हैं शादी में, और कनिष्का और मैं रह गए हैं घर, तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी सिलाई। और अभी टाइम हो चुका है आपका देखिए 7:45, तो अभी अंधेरा नहीं हुआ है देखिए, तो कम से कम 15 मिनट के लिए हम जाएंगे छत पे दोनों माँ बेटी, थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं खुली हवा में जाकर, तो वहाँ जाएंगे। और देखिए दो ब्लाउज थे, मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मैंने बताया था आपको इससे पहले वीडियो में, और लेकिन अब थोड़ा मैं सही बेटर फील कर रही हूँ, तो काम तो मुझे करना ही करना है। मैंने तब भी किया था जब मेरी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि देखिए ये तो चलता रहता है, और हमें हिम्मत तो खैर नहीं हारनी चाहिए, तो मैं तो कभी नहीं हारती हूँ हिम्मत, और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है बस मुझे। और मैं देखिए यहाँ भी काम करती हूँ, और अपने घर के काम को भी संभालती हूँ, और अपने सिलाई के काम को भी संभालती हूँ, तो मेरा डेली का काम है सिलाई, मुझे करनी है, मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि देखिए दो पैसे आते हैं हमें हमारे लिए अच्छा ही है ये। और जो मैं अपना काम है वो भी मेरा, जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा बेटर होता जाता है, हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो वो और भी अच्छा होता जाता है करने से। लेकिन मैं 10 साल से कर रही हूँ सिलाई, और जो ये ब्लाउज़ थे ना दो, मैंने दिखाए थे आपको, देखिए कटिंग कर रहे थे तब दिखाए थे ये, तो मैं दिखाऊंगी सारे सिल जाएंगे तब। ये 5 ब्लाउज़ हैं, ये भी तो 3 किसी और के हैं और 2 किसी और के हैं, तो ये ब्लैक वाला है जो, तो ये आधा रह गया है, तो इसमें जो बाजू है उसमें तुरपाई करनी है, तो अभी नहीं करूँगी, अभी जाएंगे हम छत पे थोड़ी देर, देखिए टहलेंगे। और वो दोनों गए, तीनों गए हैं, तो उनका तो कोई आज मैटर ही नहीं है, खाना वाना बनाना ही नहीं है। और हमारे लिए शिव के पापा कोल्ड ड्रिंक रख के गए थे, क्योंकि बोले हम वहाँ एंजॉय करेंगे, तो आप दोनों यहाँ एंजॉय करना, बहुत ध्यान रखते हैं वो हमारा, बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो चलिए मैं जाती हूँ ऊपर अभी, तो मिलती हूँ मैं आपसे।
राधे 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 और ये फ़ोटो है जब हम परिक्रमा शुरू की थी तो बहुत धूप थी तो हम परेशान होके थोड़ा सा पेड़ की छाँव में बैठ गए थे। और ये जो जल है देखिए कितना यमुना मैया में जल है। तो यहाँ हमने बहुत देर बैठ के आराम किया था और बहुत बारिश हुई थी तो बारिश में पूरा नहाते हुए हमने परिक्रमा लगाई थी और यहाँ कुछ फ़ोटो भी हमने क्लिक किए थे तो मैंने फ़ोटो भी आपके साथ थोड़े से शेयर कर दिए हैं। और ये केसरी घाट है जहाँ हम फ़ोटो खींच रहे हैं तो केसरी घाट पर हमने यहाँ फ़ोटो खिंचवाए थे। और ये हैं प्रेम मंदिर के, तो यहाँ प्रेम मंदिर पर भी थोड़े बहुत फ़ोटो हमने खींचे थे और थोड़ी सी वीडियो है तो वो आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वो शिव ने ऐसे ही बना ली थी, तब तो मेरा चैनल नहीं था। तो यहाँ शिव फ़ोटो खिंचा रहा है और ये देखिए शिव और शिव के पापा। तो यही वो वीडियो है जो शिव ने बनाया था थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए मंदिर भी पूरा दिख रहा है और बहुत सुंदर मंदिर है। और रात के टाइम पे तो लाइटिंग होती है इसमें तो और भी सुंदर लगता है और यहाँ बहुत आनंद आता है। तो आपने देखा फ्रेंड्स वीडियो कि कितना जल है यमुना जी में। और मैंने एक आध फोटो भी वीडियो में डाल दिया है तो उससे आपको पता लग रहा होगा कि हाँ रियली बहुत ज़्यादा जल था उस टाइम पे, लेकिन अब वो इतना नहीं है। और पता है अभी मैं प्रेस करने के लिए मैंने प्रेस उठाया और मैं इसको देखिए सॉरी ये जो प्लग होता है ना तो ये मैंने अभी खोला है तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ लगा गई हूँ और मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया, वो तो मेरा हाथ इससे टच नहीं हुआ है इस वायर से और नहीं तो मुझे करंट लगने वाला था। आज मैंने बोला कि प्रेस गर्म क्यों नहीं हो रही है तो यहाँ मैंने देखा ये वायर निकला हुआ पड़ा है, फिर मैंने इसको निकाला है तो अभी से मैं इसमें लगा रही हूँ। पता नहीं कैसे ये जल गया है क्या हो गया है तो ये मुझे लगाना है और अभी मैं लगाऊंगी इसे। और देखिए मुझे यहाँ ये देखिए प्रेस कर रही हूँ मैं अस्तलों पे और ब्लाउज़ मेरे को कट करने हैं। क्या करूँ अभी खाना वगैरह बनाना नहीं है तो मैंने सोचा अपना काम कर लूँगी मैं रात में, थोड़ा जग कर लेट सो जाऊँगी और मेरा काम भी फिनिश हो जाएगा क्योंकि कल कुछ दीदियाँ हैं उन्होंने फ़ोन किया था कि भाभी प्लीज़ हमारे ब्लाउज सिल देना, आपके ब्लाउज हमें बहुत अच्छे लगे हैं। और वो वही दीदियाँ हैं जो मैंने ब्लाउज़ आपको दिखाए थे ना लहंगे के ब्लाउज सिलवाए हैं, उससे पहले जो ब्लाउज सिलवाए हैं वही दीदियाँ हैं। तो वो बोल रही थी फिर हम मैं ससुराल चली जाऊँगी, प्लीज़ भाभी प्लीज़ मेरी मतलब सासू माँ वगैरह सब बहुत तारीफ़ कर रही थी, वो भी बोल रही थी। मैंने कहा भैया इतना मेरे पर लोड मत डालो क्योंकि मैं अपने मन मुरादिक जो मेरा जब मेरा मन होता है उतना काम लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत काम घर का भी हो जाता है और अब मैंने आप लोगों से दोस्ती की है तो आप लोगों से भी मिलना होता है मुझे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं मतलब सिल पाती हूँ अब। लेकिन हाँ ये है अपना डेली की डेली कुछ ना कुछ तो मैं सिलती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही मैं शेयर करती हूँ, नहीं तो मैं बक 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 करती रहूँगी और वीडियो बड़ा होता रहेगा। तो मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ और मैं अपना दूसरा वीडियो आज ही शुरू करूँगी अभी से। तो आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा सभी को।